इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुर्दों को रमजान का ज्यादा इंतजार क्यों रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल गुजारिश करता हूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि नई इस्लामिक वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। इस महीने का इंतज़ार दुनिया का हर मुसलमान करता है क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला दोजख का दरवाज़ा बंद कर देता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। हदीसों में आता है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में मरता है तो रमज़ान के पूरे महीने में उससे सवालों जवाब नहीं पूछे जाते और इंसान सीधा जन्नत में चला जाता है। जो नेक इंसान होता है वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, उसकी कब्र जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बना दी जाती है। लेकिन जो बुरा इंसान होता है, जिसका ठिकाना जहन्नम होता है, तो वो 12 महीनों में से 11 महीने दोजख में रहेगा। लेकिन जब रमज़ान का 12वां महीना आता है तो अल्लाह दोजख का दरवाज़ा बंद कर देता है, तो दोजख से आने वाली सजा, गर्मी, तपिश उस मुर्दे इंसान तक नहीं पहुँच पाती, वह उस आग से महफूज हो जाता है। तो इसलिए मुर्दा ये सोचता है कि काश रमज़ान का महीना जल्दी से आए और फिर जाए ही नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो के तमाम चाहने वालों के परिवार से जो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करें, उनके सबीरा व कबीरा गुनाह माफ़ करें, उन्हें अजाब कब्र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सभी सुनने वालों से दिल गुजारिश है कि अपने मरहूमों के इसाले सवाब के लिए कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किस भाई की जुबा से निकला आमीन इन सब मरहूमों की मगफिरत का सबब बन जाए। तो आखिर में दुआ है अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।